हैं युवा गीतकार ऋषि पुरोहित से। आप गत 10 वर्षों से संगीत से जुड़े हैं। आपने सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित नारायण दास रंगा के वृहद हस्त में संगीत की दीक्षा ली है। आप लोक संगीत, क्लासिकल संगीत के साथ साथ बॉलीवुड गाने भी गाते हैं। अभी हाल ही में इनका तेरी याद एल्बम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। हम इस एल्बम सॉन्ग के लिए इनको बधाई देते हैं। आइए इस एल्बम सॉन्ग के लिए इनसे हम बात करते हैं। आपका विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। तेरी याद म्यूजिक एल्बम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी बिल्कुल। तेरी याद जो म्यूजिक एल्बम है, इसमें जो सिंगर है वो मैं ही हूँ, जैसे मैंने ही इसको गाया है। और इसका जो कंपोजिशन है वो एकदम फ्रेश है, और ये इसको बोल सकते हैं जैसे सैड सॉन्ग एक है। और ये अब तक का जैसे रुझान अगर पता करें तो बताया जाए, जिस तरह सामने आ रहा है तो लोगों में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। और बाकी देखते हैं इसका आगे कितना प्यार मिलता है। इस एल्बम से पहले भी आपने कुछ संगीत के अंदर कोई गाने या कोई एल्बम सॉन्ग लॉन्च किया हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने इससे पहले एक गाना लॉन्च करा था, वो कवर सॉन्ग था। उसी से मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी थी। तो वो एक खैरियत सॉन्ग है, बॉलीवुड का एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग था, मुझे बहुत पसंद था वो। तो मैंने उसका म्यूजिक अपने तरीके से बनवा के उसको पब्लिश किया था। उसका भी मुझे बहुत अच्छा रुझान मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का। तो और उसके बाद जस्ट मैंने अभी यही प्रोजेक्ट करा है। आप लोक संगीत गाते हैं, क्लासिकल संगीत गाते हैं, बॉलीवुड गाने गाते हैं, तो इस संगीत यात्रा में आप कब से हैं, कितने वर्षों से आप इस साधना में लगे हैं? जी, संगीत यात्रा जो मेरी चल रही है तो लगभग बोल सकते हैं सर कि 8 से 10 साल का मेरा इसमें यात्रा हो चुकी है अब तक। और इसका मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे इतना, मैं नहीं मानता कि मुझे इतना कुछ आ गया है। और ये जो यात्रा है वो मेरे गुरुजी के, जो पंडित नारायण दास जी रंगा मेरे गुरुजी हैं, तो उनकी वजह से ही सफल हो पाई है। और आज जितना भी मैं गा रहा हूँ, अगर मैं सही गा रहा हूँ तो मैं गुरुजी का आश्रय है। और अगर मेरी कोई गलती रह रही है तो वो मेरे गुरुजी की नहीं, वो मेरी अपनी है। मुख्य रूप से आप मरु प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थानी गीत को लेकर कुछ काम किया या राजस्थानी के ऊपर कुछ काम किया तो बताइए। जी बिल्कुल, मुझे राजस्थानी सॉन्ग गाने बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे राजस्थानी सॉन्ग गाने, जिसमें अपनी भाषा का महत्व बढ़ता है। और मुझे पर्सनली दिल के बहुत करीब है राजस्थानी। तो मैंने अब तक एक सॉन्ग मैंने अब तक कर चुका हूँ मैं, जैसे डोर पतंग मेरा एक गाना आया था, उसमें मैंने ही अपनी हवा से उसमें गुनगुनाया। तो और जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट में मैंने सोच रखा है कि जैसे जैसे मैंने काफ़ी कॉम्पोजिशन अपनी बना के रखी, जैसे वो मेरी फ्रेश कॉम्पोजिशन है, तो उसमें से कुछ कॉम्पोजिशन है वो राजस्थानी बेस पर ही है। तो मैं नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा तो मैं राजस्थानी पे ही काम करूँगा। आपने संगीत की कोई पारंपरिक शिक्षा ग्रहण की है या स्नातक स्नातक इस टाइप से कुछ होती है उसके बारे में? जी बिल्कुल करी है। जैसे मेरी 12th के बाद में ग्रेजुएशन एक अलग चलता रहा, लेकिन साथ में मैंने उसी ग्रेजुएशन के साथ में मैंने एक विशारद की डिग्री करी थी। और उसके बाद मैंने मेरी ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद में मैंने एक एडिशनल BA होता है जो केवल सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में होता है, तो वो भी मैंने करा। और उसके साथ में मैंने अभी हाल ही में जैसे बताया जाए तो जैसे हाल ही में मेरा जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा म्यूजिक में MA से लेके मेरा कोर्स चल रहा है और मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, उससे मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। पुनः वापस आपके एल्बम पर आते हैं, तेरी यादें जो एल्बम आपने बनाया है, तो उसमें जो आपके साथी, जो आपकी टीम के सदस्य हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, कौन कौन आपके साथ जुड़ा था? जी, सदस्य जो मेरे टीम के जो मेंबर हैं, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की वजह से यह सॉन्ग आज मार्केट में आ रहा है, जो भी स्टैब्लिश है तो उन्हीं की वजह से। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो राहुल जी व्यास हैं, जो हमारे टीम मेंबर भी है और हमारे फैमिली मेंबर भी है, तो उन्होंने इस गाने को लिखा, फिर उसके बाद मैंने उसको कंपोज करा। फिर हमारा जो वीडियो डायरेक्शन जो चला, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे तो वो आनंद जी सारस्वत थे। फिर हमारे जो एक्टर थे, इसमें जो एक्टर थे, तो एक्टरों की अगर बात करें तो इसमें SK सर थे, SK जी अग्रवाल, उसके साथ में थे प्रवीर जी तंवर
और विशु मैम थे, तो उन्होंने फीमेल करेक्टर करा था विशु मैम का। तो और भी बहुत से हैं, जैसे जैसे इसके साथ मुझे सपोर्ट करा था जैसे रामजी स्विमिंग रिसोर्ट्स वाले ने, मैंने उनका मुझे बहुत उनका मुझे बहुत ऐसे रहा कि सपोर्ट रहा उनके, उनके साथ में। अगर बात करें तो कैफे इंदिरा इंदिरा कैफे के जो ऑनर हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट करा। तो और भी बहुत कुछ सपोर्टिव लोग थे मेरे साथ में, लेकिन हर किसी का नाम पॉसिबल नहीं। तो ये मुख्य लोग जो हैं, ये इन्होंने मिलके हमारी टीम ने मिलके एक अच्छा काम करा, मुझे बहुत सपोर्ट करा, उस वजह से आज मेरा ये एल्बम सॉन्ग रिलीज हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, और हम आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं तेरी यादें एल्बम के लिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप हमारे विनय एक्सप्रेस न्यूज पोर्टल पर आए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत, और मैं आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसका भी समझा कि आपके यूट्यूब चैनल पे मुझे इनवाइट करा और अपना अमूल्य समय हमें दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।